नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वैसे स्टॉक्स जो 100 रुपीज़ से नीचे मिल रहे हैं और काफ़ी बेहतरीन है। तो ऐसे हम 6 स्टॉक्स आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, ये सारे स्टॉक्स जो है स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक्स है, इन सारे स्टॉक्स में रिस्क काफ़ी होते हैं, तो वहीं रिटर्न भी काफ़ी मिलता है, आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना कर सकता है ये सारे स्टॉक्स। तो इस स्टॉक में जब भी आप इन्वेस्ट करें, बाय ऑन डिप्स करें, हम आपको कई बार बताते हैं जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न होता है वो सबसे बेस्ट होता है ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, और वहाँ से जब स्टॉक मूवमेंट पकड़ता है तो आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना कर सकता है। जैसे आप लार्ज कैप में रहते हैं तो उसमें आप इन्वेस्टेड रहते हैं कई सालों के बाद, आपका कई टाइम्स होता है। ये स्टॉक्स ऐसे हैं जब मोमेंटम पकड़ता है राउंडिंग बॉटम पैटर्न के साथ, आपके 6 महीने 1 साल में ही कई गुना आपके इन्वेस्टमेंट को कर सकता है। तो पहला जो स्टॉक है वो फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, काफी बेहतरीन स्टॉक स्पेशलिटी केमिकल से, मात्र 90 रुपीज पे ये स्टॉक मिल रहा है और लगातार ये कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। अगर मार्केट कैप की बात करें, मार्केट कैप मात्र 1000 करोड़ का है और करंट प्राइस मात्र 90 रुपीज 40 पैसा का है, और ये स्टॉक अच्छा खासा 1 साल में मूव किया। देखते हैं, मात्र 26 रुपीज का था, वहां से 96 रुपीज का हाई लगा चुका है, और डिविडेंड की बात करें तो 0.33% का डिविडेंड भी देता है ये कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड 29%, रिटर्न ऑन इक्विटी 22%, तो हर पैरामीटर्स पे काफी बेहतरीन है। प्रमोटर्स होल्डिंग 64.7% और डेट इक्विटी मात्र 0.02, मतलब बिल्कुल डेट फ्री है। मात्र देख सकते हैं 3.47 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर, वही नेट एनुअल प्रॉफिट 42 करोड़ का, और ये सेक्टर भी काफी बेहतरीन है, काफी ज्यादा अभी रन कर रहा है, तो आप इसमें इसके इस सेक्टर के तेजी का भी फायदा इसमें ले सकते हैं। इस स्टॉक में कोई भी शेयर प्लेज भी नहीं किया, तो जो करंट प्राइस है शेयर का वो इंट्रेंसिक वैल्यू से लेस है, और कंपनी जो है जो रिटर्न जनरेट किया हो वो एफडी से ज्यादा जनरेट किया है। डिविडेंड रिटर्न की बात करें तो कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी देता है, लेकिन यहाँ पर लिखा रहेगा आपको डज ऑफर अट्रैक्टिव डिविडेंड, लेकिन ये अट्रैक्टिव डिविडेंड देता है, इतनी छोटी कंपनी और इतना अच्छा डिविडेंड पे करती है, और गुड टाइम टू कंसिडर स्टॉक है, कोई भी रेड फ्लैग इस स्टॉक में नहीं है, तो हर पैरामीटर्स पे स्टॉक काफी बेहतरीन है। आप चाहे तो इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब भी गिरावट मिलता है तो बाय कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिखाते हैं, देखिए इस तरह से ये स्टॉक काफी ज्यादा था, 100 रुपीज पे स्टॉक 2018 में मिल रहा था, वहां से इस तरह से गिरावट आता है, गिरावट के बाद ये स्टॉक अपना लो बनाता है 15 रुपीज का, और वहां से देख सकते हैं ये 19 रुपीज का जर्नी तय कर चुका है। तो अगर आप 15 रुपीज पे लिए रहते तो अभी आपका 600% का रिटर्न प्राप्त होता है यहाँ से। अगला जो स्टॉक है वो हल्दियान ग्लास, देखिए ये सारे स्टॉक छोटे हैं, कंपनियां छोटी है, इसलिए स्टॉक के प्राइस भी काफी कम है। बाकी बात ये सारे फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक आपको बता रहे हैं और आपके सामने डिस्कस भी कर रहे हैं, कंपनी जो है बिजनेस भी काफी अच्छे सेक्टर में है। अगर हल्दियान ग्लास की बात करें तो कंपनी मार्केट कैप काफी कम है, माइक्रो कैप कंपनी है, 213 करोड़ का कंपनी है ये मार्केट कैप में, करेंट प्राइस 39.70 रुपीज़ है, और जो इसका 52 वीक हाई 51 और 52 वीक लो 23, और डिविडेंड यील्ड की बात है 1.51% का डिविडेंड यील्ड है, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड 10%, रिटर्न ऑन इक्विटी 5.3%, और प्रमोटर्स होल्डिंग की बात है 56.7%, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, और डेट टू इक्विटी की बात है 0.02 डेट टू इक्विटी का रेशियो है, टोटल डेट की बात है मात्र 3.35 करोड़ का है, वही नेट प्रॉफिट 7.49 करोड़ का है। तो ये कंपनियां भी लगभग डेट फ्री ही है क्योंकि काफी कम डेट है इस कंपनी के ऊपर, डेट टू इक्विटी देख सकते हैं काफी कम है। रिजर्व की बात है 139 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, और ये कंपनी करती क्या है, बोतल बनाती है फूड सेक्टर के लिए, बिहेवियर सेक्टर के लिए, और स्पिरिट इंडस्ट्रीज के लिए, जो दारू आप पीते हैं शराब पीते हैं उस सेक्टर के लिए बोतल बनाती है, और जो सारे के सारे ये इंडस्ट्री है काफी बेहतरीन है, एवरग्रीन है, जिसके लिए कंपनी बोतल बनाती है, और इस कंपनी के अच्छे अच्छे क्लाइंट्स भी हैं, जैसे डाबर हो गया आपको इसके क्लाइंट है, तो यूनाइटेड स्प्रिट हो गया आपके इसको क्लाइंट मिलेगा, काफ़ी मतलब जो क्लाइंट्स है कई सारे हैं, मतलब ऐसे 1-2 क्लाइंट हैं जिससे कंपनी का बिजनेस जल्दी प्रभावित हो जाए, तो कई सारे क्लाइंट हैं, अगर एक क्लाइंट छूट भी जाता है तो कंपनी के बिजनेस पे कुछ खास प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अगर बात करें कंपनी के शेयर प्राइस के ग्रोथ का, तो यहाँ पर देखिए कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी पहले भी 2009 में भी काफ़ी हुआ करता था महंगा, लेकिन मार्केट क्रैश के कारण ये स्टॉक क्रैश कर गया, 2009 में भी क्रैश किया और फिर 2010 में भी किसी रीजन से क्रैश किया होगा, वहाँ से स्टॉक में अभी तक मोमेंटम नहीं आया, लेकिन फंडामेंटली काफ़ी सॉलिड स्टॉक है। अगर बात करें इसके डाटा का, तो जो इंट्रेंसिक वैल्यू से प्राइस है वहाँ पर इनसफिशियंट डाटा दिखा रहा है, क्योंकि छोटे कंपनियाँ हैं उसमें आपको डाटा इसी तरह दिखेंगे, ज़्यादा अच्छा नहीं दिखेगा। अगर
रिटर्न की बात करें तो ये कंपनी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट नहीं किया है लॉन्ग टर्म में, लेकिन अभी जो फिलहाल के टाइम है उसमें ये काफ़ी अंडर वैल्यूड मिल रहा है, जबकि कंपनी का बिजनेस काफ़ी बेहतरीन काफ़ी प्रॉफिटेबल है, जबकि स्टॉक काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी दे रहा है, जैसा कि 2% अधिक का डिविडेंड आपने देखा। एंट्री पॉइंट अच्छा टाइम है कंसिडर करने का, कोई भी रेड फ्लैग इस कंपनी में नहीं है, तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है। मात्र 40 रुपीज़ के आसपास का ये स्टॉक है, और अगर 1 ईयर के चार्ट की देखिएगा तो 1 ईयर चार्ट पे ये काफ़ी सॉलिड स्टॉक है, देख सकते हैं मात्र 25 रुपीज़ 24 रुपीज़ से ये स्टॉक 40 रुपीज़ तक का जर्नी तय किया है, तो 51% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। अगला कंपनी है श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी लिमिटेड, ये तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है और मार्केट कैप देखिए मात्र 1,242 करोड़ का है और काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, मात्र 87 रुपीज़ का मिला है, लेकिन दोस्तों ये स्टॉक 100 टाइम्स का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में, और साथ ही साथ डिविडेंड यील्ड की बात है 2.87% का डिविडेंड यील्ड है, जबकि ये स्टॉक काफ़ी मूव कर चुका है, देखिए 42 रुपीज़ 52 वीक लो है और 96 रुपीज़ 52 वीक हाई है और करंट प्राइस 87 मतलब अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। अब बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28.9%, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.5%, प्रमोटर्स होल्डिंग 56.8%, प्लेस परसेंटेज 0 है, डेट टू इक्विटी 0 है, टोटल डेट की बात करें 0.28 करोड़, मतलब बिल्कुल डेट फ्री कंपनी, कोई डेट है ही नहीं, इसलिए डेट टू इक्विटी 0 भी दिख रहा है आपको, नेट प्रॉफिट 54 करोड़ का, और ये सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेकिन याद रखिए एक ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इस कंपनी का, इसलिए ये थोड़ा सा रिस्की है, अगर आपको एक से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते इस कंपनी का तो ये स्टॉक अभी आपको यहाँ नहीं मिलता, तब ये काफ़ी महंगे होते क्योंकि प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छा खासा है, लेकिन रिस्क क्या है, कंपनी के पास एक ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, अगर वो बंद होता है तो फिर कंपनी बिजनेस काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर कंपनी एक्सपेंशन पर ध्यान दे, अगर कंपनी एक से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाती है तो फिर इसमें आपको गजब का मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकता है, और पीछे भी ये कंपनी ने मल्टीबैगर रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। चलिए देखिए शेयर प्राइस के चार्ट पर चलते हैं, देखिए यहाँ पर अगर चार्ट देखते हैं तो 2019 से ही दिखा था, 2019 से चार्ट देखेंगे तो चार्ट में कोई वीकनेस आपको दिखेगा ही नहीं, ये चार्ट एकदम लगता है जैसे ब्लू चिप कंपनी है ना उसी तरह से लगातार ग्रो किया है, और ये स्टॉक है भी फंडामेंटली उतना ही स्ट्रॉन्ग, हर चीज़ में परफेक्ट है, डिविडेंड भी अच्छा खासा देता है कंपनी, लॉन्ग टर्म रिटर्न भी काफ़ी अच्छा दिया है। यहाँ पर चार्ट पूरा नहीं दिख रहा है, अगर आप इसको ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं BSE इंडिया का चार्ट देखते हैं तो वह काफ़ी बेहतरीन चार्ट आपको दिखेगा इस कंपनी का। तो अगला है मीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, करेंट मार्केट कैप की बात करें 99 करोड़ का मार्केट कैप है, करेंट प्राइस 92 रुपीज़ 80 पैसा का है, अगर हाई की बात करें 52 वीक हाई 113 रुपीज़ और 30 रुपीज़ इसका 52 वीक लो है, डिविडेंड की बात करें 0.54% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.9%, रिटर्न ऑन इक्विटी 9.58%, प्रमोटर्स होल्डिंग 64.2%, कोई भी शेयर प्लेस नहीं है, डेट टू इक्विटी 0 है, टोटल डेट की बात करें वो भी 0 है, नेट प्रॉफिट 2.2 करोड़ का और रिजल्ट की बात करें 12.5 करोड़ का, हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी सॉलिड है। अब बात करते हैं इसके चार्ट का और साथ ही साथ इसके जो डाटा है, तो देखिए इनसफिशिएंट डाटा है, छोटी छोटी कंपनियों के साथ आपको यही प्रॉब्लम देखने मिलेगा, जो डाटा है वो आपको कंप्लीट नहीं मिलेगा। रिटर्न बात करें एफडी से, तो एफडी से ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है स्टॉक, अच्छा खासा डिविडेंड भी पे करता है, एंट्री पॉइंट काफ़ी अच्छा टाइम है एंट्री करने का, लेकिन हम बात करते हैं हमेशा राउंडिंग बॉटम पैटर्न का, जहाँ पर बॉटम बनता है वहाँ पर एंटर करना है आपको। स्टॉक जो ASM लिस्ट में है तो ये साइन यहाँ पे भी आपको है, रेड फ्लैग जो इस स्टॉक में है, लेकिन दोस्तों चार्ट देखेंगे तो काफ़ी सॉलिड है, देख सकते हैं चार्ट काफ़ी बेहतरीन है, तो जब भी ये इस तरह का राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाता है तो आपको बॉटम पर पिक करना है, तो फिर आपको यहाँ पर बेहतरीन रिटर्न मिलेगा, और साथ ही साथ आपने देखा ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है, और ये टेक्सटाइल सेक्टर में है, टेक्सटाइल मशीनरी सेक्टर में है, तो बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है। अब जो पांचवा शेयर है वो है ऋषि रूप लिमिटेड, ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, अगर इसके मार्केट कैप की बात करें 91.7 करोड़ का है, करंट प्राइस की बात करें 94.6 रुपीज़ का है, और वहीं बात करें 52 वीक हाई का 120 रुपीज़ का हाई है और लो है 24.2 रुपीज़ का, और डिविडेंड की बात करें 5.29% का डिविडेंड यील्ड है, तो ये काफ़ी बेहतरीन कंपनी जो है डिविडेंड देने में है। साथ ही साथ बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफ़ी अच्छा है 23.7%, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.2%, प्रमोटर्स होल्डिंग 72.5%, प्लेस परसेंटेज 0 है, डेट टू इक्विटी 0 है, डेट टोटल जो कंपनी के ऊपर वो 0 है, नेट प्रॉफिट 30 करोड़ का है और रिजर्व जो है 76.8 करोड़ का है, तो हर पैरामीटर्स पे
कंपनी काफी सॉलिड दिख रही है। अब बात करें चार्ट पे, तो कंपनी का जो चार्ट है वो काफी सॉलिड है, हमेशा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है। देख सकते हैं इस तरह से राउंडिंग पैटर्न बनाते हुए कंपनी का शेयर प्राइस जो काफी ऊपर गया था, यहाँ पर बॉटम पे आपको पिक करना है, हाई पर सेल करना है, फिर इस तरह राउंडिंग बॉटम पैटर्न, बॉटम पर पिक करना है, सेल करना है हाई पर। तो इस तरह से आप इस कंपनी में अपना जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब भी बॉटम बनाए तो इन्वेस्ट कीजिए, हाई बनाए मतलब शेयर प्राइस काफी मोमेंटम कर जाए तो आप वहां पर सेल कर दीजिए। उसके बाद अगला जो स्टॉक है वो गौरा लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है लेकिन काफी छोटी कंपनी है। तो अगर इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो छोटा सा अपना जो 1% अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब 500 रुपीज़ जैसे 1000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट कैप मात्र 5.72 करोड़ का है, लेकिन दोस्तों हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी सॉलिड दिख रही है। डिविडेंड 5.25% का और हाई लो की बात करें 12.60 रुपीज़ लो है, 21.52 रुपीज़ हाई है, अपने हाई के पास मिल रहा है, तो गिरावट थोड़ा होने दीजिए। प्रमोटर्स होल्डिंग 60.5%, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट इक्विटी काफ़ी कम है, डेट देख सकते हैं 0.01 का, मतलब ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है, तो कंपनी का प्रॉफिट भी थोड़ा कम है, 74 लाख का प्रॉफिट है। वहीं बात करें चार्ट पर तो ये कंपनी अभी तक मोमेंटम नहीं दिया है, लेकिन कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिटेबल है और चार्ट भी काफ़ी सॉलिड है। देखिए जब भी गिरावट मिलता है तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर अच्छा खासा इस पर आपको रिटर्न देखने मिल सकता है। तो दोस्तों ये 6 मुख्य शेयर थे जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया, ये सारे स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन हैं और याद रहे ये सर्किट के साथ ऊपर जाते हैं तो सर्किट के साथ आपको नीचे आता हुआ भी देखने मिलेगा। तो इस स्टॉक में बाय ऑन डिप्स करना है, सेल ऑन राइज करना है और हमेशा आपको एक मल्टीप्लायर रिटर्न इसमें देखने मिलेगा, क्योंकि ये सारे स्टॉक मोमेंटम जब पकड़ते हैं तो आपको 6 महीने में ही एक मल्टीप्लायर रिटर्न आपको दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लेना है, इसी तरह के एजुकेशन और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।